21 तरीके अपनी जॉब में तरक्की पाने के लिए, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ 21 ऐसे तरीके शेयर करूंगा जिसके थ्रू मुझे लगता है आप अपनी जॉब में, किसी भी जॉब में इमेंसली सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर एक, खासकर अर्ली ऑन इन योर न्यू जॉब, हर एक चीज को बारीकी से नोट करिए। चीजें कैसे होती हैं, लोग कैसे बात करते हैं, कैसे काम करते हैं, बिकॉज दैट विल हेल्प यू डिफाइन कि कंपनी का कल्चर कैसा है। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कल्चर को फाइट नहीं कर सकते, आप कल्चर के साथ सिर्फ ढल सकते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग। स्पेसिफिक फीडबैक के लिए ना वेट मत करिए, क्योंकि जितना आप फीडबैक के लिए वेट करेंगे उतना ही आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। फीडबैक मांगिए, चाहे जितना भी मुश्किल हो, लेकिन मांगिए, चाहे जितना भी डर लगे, मांगिए। क्योंकि जब तक आप फीडबैक नहीं मांगेंगे आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, और आपको फीडबैक नहीं मिलेगा आपको नहीं पता चलेगा कि आपका काम कितना अच्छा या ना हो रहा है। बोलने से ज्यादा सुनिए, जब आप सुनते हैं तब आप दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं, जब आप बोलते हैं तो आप सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे होते हैं, और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू एक कंपनी कल्चर में उतना ही जरूरी है जितना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू। ऑफिस पॉलिटिक्स में कभी भी मत घुसिए, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में घुसे देन ये यकीनन आपके साथ भी होने वाला है, आप भी उस पॉलिटिक्स का कभी ना कभी शिकार बनेंगे। इनफैक्ट उन कंपनियों से दूर रहिए जहां आप पॉलिटिक्स आए दिन देखते रहते हैं, क्योंकि अगर आप उस पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहते, अगर आप उन पॉलिटिकल सिचुएशंस में अपने आप को नहीं पाना चाहते, देन इस कल्चर में रहना शायद आपके लिए कभी भी सही नहीं होगा। दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से आप बात करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि वो ऐसा क्या जानते हैं जो मैं नहीं जानती, क्योंकि जब तक आप उनके हिसाब से दुनिया को नहीं देखेंगे आप हमेशा ना उनसे लड़ते रहेंगे। अक्सर मैं कंपनीज में देखता हूं कि दो डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य सेम है, कंपनी की तरक्की, तो वो क्यों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे? इसलिए क्योंकि वो कभी भी रुक कर ये सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते कि वो इंसान ऐसा क्या जानता है जो कि मैं नहीं जानता। एंड आपका फर्ज बनता है कि आप इस सवाल का जवाब ढूंढें। अपने कॉलीग्स को काम के बियॉन्ड जानने की कोशिश करिए। ये ऑफिस में ना बहुत अच्छे से होता था, लेकिन रिमोट में बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन जितना भी मुश्किल हो करना जरूरी है। वो कहाँ पले बड़े, उनके बच्चे हैं कि नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, ज्यादा प्राइवेट लाइफ में घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आप शायद एक अर्ली फ्रेंडशिप में जानने की कोशिश करेंगे, उनको भी उसी नजरिए से देखिए, उनको भी उसी ढाल में डालने की कोशिश करिए। आपका सबसे लॉजिकल स्टेप काम में पता क्या है? पहले सीखना और उसके बाद इम्पैक्ट क्रिएट करना। बहुत सारे लोग हैं, खासकर नौजवान लोग अपने 20s में, जो कि पहले इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और उसके बाद या उसके थ्रू सीखना शुरू करते हैं। दैट्स द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। अगर आप बिना सीखे इम्पैक्ट करने की कोशिश करेंगे देन आप मोस्ट लाइकली एक अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, और अगर आप खुदा ना खास्ता एक अच्छा काम नहीं कर पाए देन आपके मैनेजर्स, आपके कॉलीग्स कभी भी आप पे विश्वास नहीं कर पाएंगे, और एक बार अगर विश्वास चला गया ना तो बहुत मुश्किल होता है उसको वापस हासिल कर पाना। प्लीज नोटबुक के साथ अपनी मीटिंग्स में घुसिए, लैपटॉप या कंप्यूटर पे नहीं, क्योंकि जब आप लैपटॉप और कंप्यूटर में घुसे होते हैं तब आप डिस्ट्रैक्ट ज्यादा हो सकते हैं। कुछ भी याद करने की कोशिश मत करिए, हर एक चीज को नोट डाउन करिए, एंड फिर जब मीटिंग खत्म हो जाए या डिस्कशन खत्म हो जाए उसको ट्रांसलेट करके एक ईमेल के थ्रू वो सारे लोगों को भेजिए, ताकि सबको पता हो कि जो आपने कैप्चर किया वो सही था, एंड दिस इज द ट्रू समरी ऑफ द इंटरेक्शन। सिर्फ पैसे के चलते नौकरियों को मत तोलिए। बहुत आसान होता है ये पूछना कि अरे 40,000 से 50,000 रुपए हो रहे हैं तो क्यों ना ज्वाइन करें, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ये पूछ पाना कि इस जंप के थ्रू मेरी सीख कितनी जंप करेगी, इस जंप के थ्रू मेरा एक्सपोजर कितना हाई होगा, इस सीख के थ्रू
इस सीख के थ्रू मेरा लर्निंग कितना ज्यादा एक्सपैंड हो सकता है. फोकस जस्ट as मच ऑन योर लर्निंग एज यू डू ऑन योर मनी. जब कभी भी कोई भी काम सबमिट करेंगे, ये जान लीजिए कि इस काम पे आपके हस्ताक्षर हैं. ये काम आपके डेस्क से, आपके लैपटॉप से, आपके दिमाग से आया है. एंड यू वुड नेवर वॉन्ट एनी वन टू से कि इस काम में वो मजा नहीं आया. हर रोज अपना ए क्लास काम काम पर लाइए. अगर आप किसी के साथ कोई भी वादा करते हैं कि इस काम को मैं इस समय तक कर दूंगा, देन बिना उनके फॉलो अप किए वो काम हो जाना चाहिए. और अगर नहीं हो सकता तो बिना उनके फॉलो अप किए प्रोएक्टिवली आप उनको बताएंगे कि ये डिलेड चल रहा है और मैं इस वक्त तक इसको कर पाऊंगा. काम में रिलेशनशिप्स बनाइए. जेन्युइनली लोगों में एक रुचि दिखाइए. नॉट नेसेसरली लव रिलेशनशिप्स, एनी फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप. अगर आपके कॉलीग्स आपके दोस्त भी बन जाते हैं ना, दे विल हेल्प यू, दे विल मेक यू अ बेटर वर्जन, दे विल टीच यू व्हाट नीड्स टू बी डन, एंड यू विल एक्चुअली हैव इट ईजियर इन योर लाइफ. ये अपने आप से मुझसे वादा करिए, कोई भी शख्स आपको कभी भी कंप्लेन करते हुए नहीं सुनेगा किसी भी चीज के बारे में. इतने लोग ऑफिस में सिर्फ कंप्लेन ही कर रहे होते हैं, चाय कितनी बेकार है, एसी कितना ठंडा है, कुर्सियां कितनी बेकार है, इंटरनेट कितना स्लो है, ये नहीं है, वो नहीं है, हर रोज कंप्लेन. प्लीज कंप्लेन मत करिए, क्योंकि जब कभी भी आप कंप्लेन करते हैं ना, आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और को दे देते हैं. आप बेसिकली ये बोल रहे होते हैं कि मुझे मेरी जिंदगी पे कोई काबू नहीं आता, और हर एक चीज जो मेरे साथ हो रही है वो कोई और मेरे साथ कर रहा है, और मेरा सिर्फ एक ही काम है कंप्लेन करके अपना दुख व्यक्त करना. नॉट द राइट वे टू बी ए प्रोफेशनल. वक्त पे आइए, वक्त पे हमेशा हर एक चीज शुरू करिए. जिस वक्त पे चीज शुरू होनी चाहिए उस वक्त से पहले आप उस चीज के लिए तैयार होने चाहिए. किसी भी इंसान के साथ अगर आप पहली बार वार्तालाप कर रहे हो, पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हो, भरोसे से शुरू करिए. ये मत अज्यूम करिए कि वो इंसान आपसे कुछ छीनने आया है. ये अज्यूम करिए कि वो इंसान इस कंपनी की और मेरी उतनी ही तरक्की चाहता है जितनी की खुद की. एंड यू देन हैव टू डू एवरीथिंग दैट यू कैन डू टू हेल्प देम सो दैट दे कैन हेल्प यू. स्टार्ट विद ट्रस्ट. कभी भी कुछ अज्यूम मत करिए. जब कभी भी कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो, जस्ट आस्क. आस्किंग इज अ पावरफुल थिंग. चाहे आपके साथ जो भी हो रहा हो, चाहे जितनी भी मुश्किल एक परिस्थिति हो, चाहे जितने भी मुश्किल हालात हो, आपको कभी भी कोई हक नहीं बनता किसी के सामने डिसरिस्पेक्टफुल होना. आप कभी भी किसी की तौहीन नहीं करेंगे, चाहे वो जितना भी जूनियर हो, जितना भी सीनियर हो, जितना भी आपका कॉलीग भी ना हो, आप कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करेंगे. बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कर सकेंगे तो बहुत हेल्प करेगा. जब कभी भी आप कुछ ऐसा काम करें ना जिसके लिए आप क्रेडिट चाहते हैं, और वो क्रेडिट अगर आपको ना मिले, देन लेट इट गो. इसलिए नहीं क्योंकि आप बहुत ही दानवीर बनना चाहते हैं और एकदम राम राज्य कर रहे हैं कि भैया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया जाए और हम तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे. इसलिए क्योंकि जब कभी भी उस क्रेडिट की चाह में आप काम करते हैं, देन वो काम आपने किसी को इम्प्रेस करने के लिए किया है. लेकिन जब आप धीरे 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 उस क्रेडिट को लेट गो करना शुरू कर देते हैं, लेट गो करने की प्रैक्टिस करते हैं, you actually become more solid as an individual. आपका काम अब दूसरों की congratulations, दूसरों के applause पे नहीं निर्भर है. You know that you have done your best. You are the one who is giving yourself the right credit. बहुत लोग ये बोलते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके through इस team में हमेशा हमारी जगह बरकरार रहे, कि manager ना काम जाए
अगर हम छोड़ने के लिए कोई भी कॉन्वर्सेशन करें. दिस डज नॉट हैपन अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं. इट हैपन्स क्योंकि आप रोज आते हैं, अपना बेस्ट क्वालिटी काम लाते हैं, लोगों से फीडबैक मांगते हैं, लोगों पे भरोसा करते हैं, लोगों की तरक्की में खुश होते हैं, एंड यू पॉजिटिवली सरप्राइज पीपल विद हाउ मच यू आर एबल टू अकम्प्लिश, हाउ मच यू आर एबल टू डिवोट योरसेल्फ टू दैट टास्क. जब आप ये करेंगे तब आप धीरे 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 इंडिस्पेंसिबल बनकर इस कंपनी का एक अटूट हिस्सा बन जाएंगे. अगर आप कोई भी गलती करते हैं, और गलतियां सबसे होती हैं, तो उस गलती के लिए माफी मांगिए. माफी मांगने से वो गलती सुधरती तो नहीं है, लेकिन सामने वाले इंसान को ये आश्वासन मिलता है कि आप अपनी गलती को समझ पाए हैं, और फिर उस गलती को दोहराइए मत. क्योंकि अगर आपने फिर से एक गलती कर दी जो आप कर चुके हैं, तो पहली वाली गलती तो एक तरीके से वेस्ट ही हो गई ना. किसी को भी खुश करने के लिए काम मत करिए, किसी के लिए काम मत करिए ताकि आप चाहें कि वो आपको प्यार करे, आपको सराहे, आपके बारे में लोगों के सामने बोले. काम करिए क्योंकि आपके लिए वही एक तरीका है काम करना, सही से काम करना. और जब आप वो करेंगे तो पता क्या, ऑटोमेटिकली लोग आपको प्यार करेंगे, ऑटोमेटिकली लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ऑटोमेटिकली लोग आपको अपलोड करेंगे. लेकिन अगर आप उस चीज के पीछे भागेंगे, देन यू विल मेक योरसेल्फ नर्वस, यू विल मेक योरसेल्फ इंपेशेंट, एंड दैट इज नॉट व्हाट विल हेल्प यू प्रोफेशनली. मैं पिछले 10 सालों में 1000 से भी ज्यादा लोगों के साथ काम कर चुका हूँ. बहुत सारे लोग रिक्रूट किए हैं, बहुत सारे लोगों को मैनेज किया है, बहुत सारे लोगों को फायर किया है. एंड ये जो 21 चीजें मैंने आपके लिए शेयर करी, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है जहां जो बेस्ट लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया, उन्होंने एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम इस 21 में से ज्यादातर चीजें अपने काम में डिस्प्ले करी. एंड थ्रू दीज 21 लेसन्स, आई होप दैट यू टू can become just an awesome professional as I had the wonderful opportunity to work with. Ankur Variku, signing off. YouTube Shorts के लिए एक dedicated channel launch किया गया है, जिसपे आप सिर्फ वो 60 second के shorts देख सकते हैं. No long format content to confuse you, and hopefully those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. Subscribe करिए, pinned comment और description में link है to the Variku Shorts channel.